केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पोल खोल अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज आईपी एक्सटेंशन वार्ड क्षेत्र में स्थानीय निगम पार्षद अपर्णा गोयल के नेतृत्व में पोल खोल अभियान चलाया गया। इस अभियान में दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष पूर्व पार्षद गीता शर्मा के अलावा स्थानीय भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोल खोल अभियान के दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने के बाद भाजपा पोल खोल अभियान के तहत लोगों को जानकारी दे रही है। वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वायदा किया था कि वह वृद्धावस्था में पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में पेंशन बढ़ाने की तो छोड़ दीजिए, इन्होंने एक भी नई पेंशन लागू नहीं की है। जिनकी पुरानी पेंशन लगी हुई है उनको भी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। दिल्ली को जनता को अवगत कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि सरकार ने कितने झूठे वादे किए और जो वादे सरकार के किए गए उसमें से कितने लागू हुए और कितने नहीं हुए। और ये जो रिपोर्ट पोल खोल के माध्यम से जो हम पत्रक दे रहे हैं वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी आई है सरकार के संदर्भ में। जैसे सरकार ने कहा कि हम दिल्ली में जमुना को स्वच्छ कर देंगे, पिकनिक स्पॉट बना देंगे, तो सरकार पिकनिक स्पॉट तो बना नहीं पाई लेकिन छठ भी नहीं होने देती है। और जो लोग ऐसी स्थिति रहती है जमुना के कि जो छठ के व्रती हैं उसमें खड़ा नहीं हो सकते हैं, लोग अगल बगल से गुजरते हैं तो जमुना से बदबू आती है। देखिए, हम अपने वार्ड में सभी क्षेत्रवासियों को घर घर जाकर पत्रक देंगे जो आरटीआई पे सूचना आते थे, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया। उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी, मैं निगम पार्षद हूँ, क्षेत्र की जनता प्रतिदिन मेरे पास से पेंशन को लेकर परेशान होती है। वृद्धावस्था पेंशन जो कहते हैं देंगे वो 4 साल से बंद पड़ी, एक भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है और कोई नई तो बन ही नहीं रही है। राशन कार्ड को लेकर लोग परेशान हैं। तो मौलिक सुविधाएँ मोदी जी ने राशन दिया, सभी लोगों को फ्री दिया, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है उनके इसी झूठ को उजागर करने के लिए। पानी का था फ्री देंगे, पानी गटर का पानी आ रहा है, पानी कोई नया नल लगाए नहीं, पाइपलाइन डाली नहीं। तो इस तरह से इनकी छोटी बातों को हम जनता के बीच जाकर बताएंगे। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, प्रदूषण हो, सफाई हो, या दिल्ली में दारू के ठेके खोलना, सभी मुद्दों पर केजरीवाल सरकार विफल हुई है। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था लेकिन उन्होंने इसे ऐसी शराब की बस्ती बना दिया कि लोग बस शराब पीने को चल रहे हैं। तो हम तो जाकर यही वायदा वो बता रहे हैं लोगों को कि आप स्वयं देखें आरटीआई पे आधारित जानकारी को, उसके बाद आप निर्णय लें कि दिल्ली को किन हाथों में रहना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।